पाठ 17 पाठ 2 वाण विचार प्रश्न उत्तर हम कर रहे थे। कल भी हमने प्रश्न उत्तर किया था। अब प्रश्न है आपका ड लिपि किसे कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं हमने कल किया था। प्रश्न 4 हमने कर लिए थे और आज हम करेंगे प्रश्न ड लिपि किसे कहते हैं। तो उत्तर है स्वर तथा व्यंजनों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों चिन्ह निश्चित होते हैं। स्वर तथा व्यंजनों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित होते हैं। इन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। इन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि को क्या कहते हैं? देवनागरी। ठीक है। प्रश्न 2 है वाक्य के सामने सही और गलत का निशान लगाइए। वाक्य के सामने सही सही के सामने सही का और गलत है तो गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। भाषा प्रश्न का भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया भी था वर्ण किसे कहते हैं। बताया था ना वर्ण क्या था? भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो वही आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। राइट है रॉन्ग है? राइट है ना? सही है तो आप इसमें सही का निशान लगाएंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं तो क्या है ये? सही है। ख स्वर को उच्चारण व्यंजन की सहायता से किया जाता है। स्वर का उच्चारण स्वर क्या थे? अ आ ई ई उ ए ऐ ओ तो ये क्या थे? स्वर। इनका उच्चारण कह रहे हैं कि व्यंजन की सहायता से किया जाता है। व्यंजन की सहायता व्यंजन क्या है? क ख क की क ख ग घ ण। तो स्वर का उच्चारण व्यंजन की सहायता से किया जाता है। किया जाता है नहीं। स्वर तो अपने आप में ही पूर्ण होते हैं तो स्वर के स्वर को व्यंजन की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। तो स्वर का उच्चारण व्यंजन की सहायता से किया जाता है ये क्या है? गलत है। फिर ग व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता। व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता ये क्या सही है? व्यंजन क्या होते हैं? क ख ग घ ण च छ ज झ। तो ये क्या है? व्यंजन। इनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता। घ घ क्या है? भाषा के को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो क्या है? आपको बताया था लिपि किसे कहते हैं। देखो आपने अभी प्रश्न भी किया भी है। भाषा क्या है? स्वर तथा व्यंजनों के को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित होते हैं। इन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। और वही यहाँ पे कहा जा रहा है भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो ये क्या है? राइट है, सही है। ठीक है, आपको ये वर्क जो है आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। रिपीट सी डब्ल्यू। ओके, थैंक यू।